मुरादाबाद जनपद के विकासखंड मुंडा पांडे ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरसखेड़ा में बने आरएसएम पब्लिक स्कूल में ग्राम विकास गतिविधि मेरठ प्रांत द्वारा ग्राम गौरव उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम गौरव उत्सव में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाले 30 विद्यार्थियों को ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया और कहा कि हमारे ब्लॉक मुंडा पांडे क्षेत्र के सभी बच्चे पढ़ लिख कर अपने माता पिता और गाँव का नाम रोशन करें। ये ग्राम गौरव उत्सव साल में एक बार कराया जाता है। इस उत्सव में पहुंची जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर शिफाली सिंह ने भी विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित किया। ग्राम विकास समिति सरसखेड़ा द्वारा ग्राम गौरव उत्सव का आयोजन ग्राम सरसखेड़ा विकासखंड मुंडा पांडे में आज किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो गाँव की प्रतिभाएँ हैं, जो गाँव के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी जाति मजहब धर्म से हों, लेकिन वो उन्नत कार्य कर रहे हैं, समाज और क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उनको आज सम्मानित कराने का कार्य, उनके माता पिता को सम्मानित कराने का कार्य आज यहाँ पर किया गया। कितने बच्चों को यहाँ गौरव उत्सव देकर के सम्मानित किया है और क्या हिदायत दी गई है गाँव के लोगों को और बच्चों को? लगभग 30 बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे थे उनको सम्मानित किया गया है और लगभग 9 ऐसे बच्चे थे जिनका अभी सिलेक्शन आर्मी में और अन्य सरकारी सेवाओं में हुआ है। कुछ लेखपाल पद पर भी चयनित हुए हैं, कुछ अध्यापक पद पर भी चयनित हुए हैं और जो उद्यम के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको भी यहाँ सम्मानित किया गया था। लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर आज, बच्चों को और परिवारजनों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है और उद्देश्य यही है कि सभी लोग थोड़ा सा प्रेरित हों और समाज और क्षेत्र आगे बढ़े। और अच्छा, आपके माध्यम से किस तरह गौरव उत्सव के माध्यम से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा दिन रहा है आज का बच्चों की शिक्षा को लेकर के कहा जा सकता है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं सभी माता पिता और सभी क्षेत्रवासियों से, सभी से यही कहूँगा कि अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई पर ध्यान रखें, विशेषकर बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। और मैं एक आपके माध्यम से अपील और करना चाहूँगा कि जैसा अभी मैंने मंच से कहा भी था कि हमने एक लाइब्रेरी का संचालन विकासखंड मुंडा पांडे में करवाया है, तो उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें भी उपलब्ध करा दी गई हैं। तो क्षेत्र के जो बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पर घर पे पुस्तकों के अभाव में और किसी मार्गदर्शन के अभाव में उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी सुविधा है, तो वहाँ पर वो लाभ, उसके लाइब्रेरी का भी लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं।